डॉक्टर आई हैव वन क्वेश्चन। यस यस। आपने कहा था बैलून को दोस्त बना लो, वो ज्यादा अच्छा दोस्त बन गया, अब पता नहीं लगता बैलून है नहीं है। अच्छी बात है। अब पता है क्या, अभी मैंने लास्ट टाइम नहीं बोला था, अभी ये होता है प्लेसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है, काफी बार ना जब कुछ लोग आते होते हैं कि मेरे को दवाई दो दवाई दो, तो उनको ना काफी बार डॉक्टर्स मल्टीविटामिन देते हैं, ये दवाई है इस चीज की, और वो मल्टीविटामिन खा के ठीक हो जाते हैं, मुझे उनको लगता है मैंने दवाई खा ली। तो यही चीज आपके साथ है हमेशा, आप सोचे कि बैलून है, आपकी माइंडफुल ईटिंग रहेगी हमेशा एंड यू विल नेवर गेन। अभी इट इज ऑलमोस्ट 2 months एज ऑफ नाउ, इट शुड हैव लाइफ, लेकिन कई बार लगता है क्रेविंग हो रही है आज तो खाने की, तो बैलून का क्या हुआ? दैट टाइम टेक अ प्रोटीन शेक। ओके, दैट टाइम टेक अ प्रोटीन शेक। केसर पिस्ता एंड बनाना हमारे पास फ्लेवर है, बाकी बहुत फ्लेवर है, चॉकलेट वॉकलेट आप कोई से भी ले सकते हो। अभी मैं आपके सामने ना प्रोटीन शेक ही दे रहा था जब आपका फोन आया, देखो मैं प्रोटीन शेक बना दिया क्योंकि मेरे को आधे घंटे बाद अपना जिम जाना है, तो आई हैव टेकन इट हाफ एन आवर 40 minutes बिफोर। प्रोटीन शेक की टाइमिंग्स अगर आप आधे घंटे 40 मिनट पहले लेते हैं तो जिम आपका बहुत अच्छा होता है, अगर आप ड्यूरिंग जिम लेते हैं तो आपकी जो लास्ट सेट्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, उस टाइम आपको टायर्डनेस नहीं रहती है। So this is how it proteins work. Right. Thank you. That's all for myself.